नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है बेंगलोर से न्यू तिनसुकिया तक चलने वाली बेंगलोर न्यू तिनसुकिया वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है बेंगलुरु न्यू तिनसुकिया एक्सप्रेस के बारे में। ये जो ट्रेन है वीकली ट्रेन है, इसका ट्रेन नंबर है 22501। अगर इसके रूट मैप के बारे में बात करें तो ये बेंगलुरु से न्यू तिनसुकिया आसाम के बीच में चलती है। बेंगलुरु सिटी जंक्शन से ये कटपड़ी, पेरम्बूर, चेन्नई, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, हावड़ा, न्यू जलपाईगुड़ी गुवाहाटी के थ्रू ये ट्रेन जो है न्यू तिनसुकिया जंक्शन में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। ये जो ट्रेन है बेंगलुरु से न्यू तिनसुकिया के बीच में जो ये ट्रेन चलती है, हर मंगलवार को ये बेंगलुरु सिटी जंक्शन से न्यू तिनसुकिया के बीच में रवाना होती है और ये 65 घंटे 35 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 41 स्टेशन हैं, 3563 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 55 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपकी टिकट में सुपर फास्ट चार्ज भी साथ में जोड़ा जाएगा और इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे डिवीजन जो है ऑपरेट करता है। आगे हम बात करेंगे इसके टिकट किराए के बारे में, तो मैं जो अभी आपको आगे टिकट किराया बताऊंगा वो बेंगलुरु सिटी जंक्शन से न्यू तिनसुकिया जंक्शन तक का बताऊंगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म कर लें। इसमें सेकंड एसी के कोच का जो किराया है वो है 4,045 रुपये। ये जो किराया है बेंगलोर से न्यू तिनसुकिया जंक्शन तक का है, जिसमें बेस फेयर है 3,757 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज है 50 रुपये, सुपरफास्ट चार्ज है 45 रुपये और बाकी GST चार्ज इसमें शामिल होता है। थर्ड एसी के कोच हैं, थर्ड एसी के तकरीबन 4 कोच हैं जिसका टोटल किराया जो है 2,745 रुपये है, जिसमें 2,529 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है और 131 जो है वो GST चार्ज इसमें शामिल होता है। स्लीपर क्लास में कोई GST चार्ज नहीं जोड़ा जाता। स्लीपर क्लास का जो किराया है वो है 1,075 रुपये, जिसमें 1,025 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 30 रुपये है और टोटल अमाउंट जो इसका बनता है वो है 1,075 रुपये। ये तो होगी स्लीपर क्लास की बात। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल अनरिजर्व डिब्बों के तकरीबन 2 कोचेस हैं, तो जिसका बेंगलोर से न्यू तिनसुकिया जंक्शन तक का जो टोटल किराया है वो है 660 रुपये। ये जो मैं अभी आपको किराया बता रहा हूँ ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म कर लें। इसके अलावा इस ट्रेन में पेंट्री कार यानी कि रसोई यान कक्ष की फैसिलिटी भी साथ में है, जहाँ से आपको ट्रेन के अंदर ही फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के जो चार्जेस हैं आपकी टिकट में इंक्लूडेड नहीं होते हैं, आपको अलग से डायरेक्टली जो है ट्रेन के अंदर ही फूड जो है परचेज करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं KSR बेंगलुरु सिटी जंक्शन से न्यू तिनसुकिया जंक्शन तक चलने वाली बेंगलुरु न्यू तिनसुकिया एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में। ये जो ट्रेन है KSR बेंगलुरु सिटी जंक्शन से हर मंगलवार को रात को 3:10 पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म से KSR बेंगलुरु सिटी जंक्शन कर्नाटका से रवाना होती है और तकरीबन 65 घंटे 35 मिनट बाद ये ट्रेन जो है बेंगलुरु कैंट जो कि इसका दूसरा स्टेशन है यहाँ पर ये पहुँचती है रात के 3:22 पे और 3:25 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। कृष्णा राजापुरम बेंगलुरु कर्नाटका में ये ट्रेन जो है रात के 3:33 पे पहुँचती है और 3:35 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। भंगारापेट जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 4:18 पे पहुंचती है और 4:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है तमिलनाडु में एंटर करती है। तमिलनाडु के जोलारेपट्टी जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 5:53 पे पहुंचती है और 5:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 145 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। जोलारेपट्टी जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है कटपड़ी जंक्शन में सुबह 7:05 पे पहुंचती है और 7:10 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 230 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। पेरम्बूर चेन्नई में ट्रेन जो है सुबह 8:55 पे पहुंचती है और 9:05 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 354 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। नेल्लोर स्टेशन में दोपहर के 12:38 पे पहुंचती है। नेल्लोर जो है आंध्र प्रदेश का स्टेशन है और 12:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। ऑनगोल स्टेशन आंध्र प्रदेश में ट्रेन जो है दोपहर के 2:08 पे पहुंचती है और 2:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है।
ऑन गोल के बाद ये ट्रेन जो है विजयवाड़ा जंक्शन आंध्र प्रदेश में शाम के 4:30 पे पहुंचती है और 4:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 15 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसका स्टेशन कोड है BZA। इसके बाद ये ट्रेन जो है राजामुंद्री स्टेशन में पहुंचती है। राजामुंद्री स्टेशन में ट्रेन जो है शाम के 6:53 पे पहुंचती है और 6:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। राजामुंद्री के बाद ये ट्रेन जो है विशाखापट्टनम जंक्शन में पहुंचती है रात के 10:45 पे और 11:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 20 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। यहां पर बेंगलुरु न्यू तिनसुखिया एक्सप्रेस जो है रिवर्स होती है, यानी कि इंजन जो है दूसरी दिशा में लगकर चलता है। इसके बाद ये ट्रेन जो है विजयनगरम जंक्शन में पहुंचती है रात के 12:03 पे और 12:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद बेंगलुरु न्यू तिनसुखिया एक्सप्रेस जो है वो ब्रह्मपुर उड़ीसा में पहुंचती है। ये रात के 3:11 पे पहुंचती है और 3:16 पे वहां से रवाना हो जाती है, 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद ये ट्रेन जो है खुर्दा रोड जंक्शन उड़ीसा में सुबह 5:15 पे पहुंचती है और 5:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। भुवनेश्वर में ये ट्रेन जो है सुबह 6:05 पे पहुंचती है और 6:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। कटक जंक्शन में ये सुबह 6:48 पे पहुंचती है और 6:53 पे वहां से रवाना हो जाती है, 5 मिनट का स्टॉप है। ओडिशा के आखिरी स्टेशन बालासोर या बालेश्वर में ये ट्रेन जो है सुबह 9:42 पे पहुंचती है और 9:44 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। खड़गपुर जंक्शन पश्चिम बंगाल में ये सुबह 11:20 पे पहुंचती है और 11:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 15 मिनट का स्टॉप है, 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। हावड़ा जंक्शन पश्चिम बंगाल में ये दोपहर के 2 पहुंचती है और 2:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 25 मिनट का स्टॉप है, 8 या 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और यहां पर इसका इंजन भी रिवर्स होता है और इंजन चेंज भी होता है, इलेक्ट्रिक इंजन से डीजल इंजन लगता है। इसके बाद भोलपुर शांति निकेतन में शाम के 4:23 पे पहुंचती है और 4:28 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 2160 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। रामपुर हाट जंक्शन में ये शाम के 5:26 पे पहुंचती है और 5:28 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 2220 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। रामपुर हाट जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है मालदा टाउन में रात के 8:05 पे पहुंचती है और 8:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 2345 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। किशनगंज बिहार में ट्रेन जो है रात के 10:03 पे पहुंचती है और 10:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 2492 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन में ये रात के 11:40 पे पहुंचती है और 11:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद जलपाईगुड़ी रोड में ये ट्रेन जो है रात के 12:50 पे पहुंचती है और 12:52 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। और इसके बाद ये ट्रेन जो है न्यू कोच बिहार पश्चिम बंगाल में रात के 2:55 पे पहुंचती है और 3 वहां से रवाना हो जाती है, 5 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद KSR बेंगलुरु सिटी जंक्शन न्यू तिनसुखिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो अलीपुर द्वार पश्चिम बंगाल का जो आखिरी स्टेशन है यहां पर रात के 3:25 पे पहुंचती है और 3:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद ये ट्रेन जो है पश्चिम बंगाल से असम स्टेट में एंटर करती है। असम के पहले स्टेशन न्यू बंगाईगांव जंक्शन में ये ट्रेन जो है सुबह 5:55 पे पहुंचती है और 6 वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है और तकरीबन 2823 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है NBQ। इसके बाद ये ट्रेन जो है गोलपारा टाउन में सुबह 6:43 पे पहुंचती है और 6:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। गुवाहाटी स्टेशन में ट्रेन जो है सुबह 9:05 पे पहुंचती है और 9:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 15 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। लुमडिंग जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 12:45 पे पहुंचती है और 12:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है और 3100
85 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। अपने 33वें स्टेशन दीपू में ये ट्रेन जो है दोपहर के 1:29 पे पहुंचती है और 1:31 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 3217 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी है। दीमापुर नागालैंड में ये ट्रेन जो है शाम दोपहर के 2:13 पे पहुंचती है और 2:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। 7 मिनट का स्टॉप है। पुरकाटिंग जंक्शन में ट्रेन जो है दोपहर के 3:43 पे पहुंचती है और 3:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और तकरीबन 3322 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद बेंगलुरु न्यू तिनसुकिया एक्सप्रेस जो है वो मरियानी जंक्शन में पहुंचती है शाम के 4:20 पे और 4:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। इसका जो स्टेशन कोड है वो है MXN। यहां पर ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। मरियानी जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है समालूगुरी जंक्शन में शाम के 5:15 पे पहुंचती है और 5:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है शिव सागर टाउन में शाम के 5:36 पे पहुंचती है और 5:41 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। शिव सागर टाउन के बाद ये ट्रेन जो है मोहरन हाट स्टेशन में शाम के 6:16 पे पहुंचती है और 6:18 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 3480 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। डिब्रूगढ़ असम में यहां पर ये ट्रेन जो है शाम के 7:13 पे पहुंचती है और 7:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है न्यू तिनसुकिया जंक्शन में पहुंचती है। यहां पर बेंगलुरु न्यू तिनसुकिया एक्सप्रेस जो है रात के 8:45 पे पहुंचती है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो टोटल जर्नी है बेंगलुरु से न्यू तिनसुकिया तक की वो 3591 किलोमीटर के करीब जो है 51 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की और वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।